पत्नी द्वारा खुद को स्वीकार करने के लिए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर फणिभूषण के घर एक महिला धरने पर बैठी। ये घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में घटी। महिला के अनुसार उसका नाम गीता है। रायगंज थाना अंतर्गत कस्बा इलाके के निवासी जब पुलिस के कर्मी थे तो साल 2010 में सिलीगुड़ी में फणिभूषण ने गीता से मंदिर में शादी की थी। फणिभूषण की पहली पत्नी से एक बेटी और दो बेटे हैं। वहीं गीता के भी एक बेटा और एक बेटी है। पिछले कुछ दिनों से फणिभूषण गीता को फोन नहीं कर रहे थे और उनसे बात भी नहीं करते थे, जिससे गीता को लग रहा था कि फणिभूषण गीता से अपना रिश्ता अब नहीं रखना चाहते हैं। इसी कारण गीता अपना हक लेने के लिए फणिभूषण के घर के बाहर धरने पर बैठ गई। धरने पर बैठी गीता से फणिभूषण की मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन फणिभूषण के बेटे अपूर्व बर्मन ने कहा कि गीता की बात में अगर सच्चाई है और अदालत अगर कहती है तो गीता को उनका हक जरूर दिया जाएगा। वहीं गीता और फणिभूषण के बेटे का क्या कहना है हम आपको वो भी सुना देते हैं। कबे बीए करे हमारे साथ बीए करे तुम्हार 2018 हमारे साथ करे आठ बछर आगे आमाके डायरेक्ट बोले ना ना बोले आमाके बने माने एमने प्रस्ताव दे जे आमार बर आमार बउ असुस्थ आमार बउ बोलछे आमार आमार तीनटा छोटो छोटो छेले मेये आछे ओदेर मुखेर दिके ताकाय आमार बउ आमाके निजेई बोलछे उनी तो एसेछेन एखाने उनी तो बोलछेन एसब कथा किन्तु उनार काछे तो कोनो प्रमाण माने उनी जे बोलछे बिये करछे तो उनार बिये मेजिस्ट्री सार्टिफिकेट किछु नेई उनार बोलछे उनार मेये आछे ठीक आछे উনি বলছেন ওনার বয়স 24 বছর, ওনার মেয়ের বয়স 19 বছর, আর এক ছোটো মেয়ের বয়স 18 বছর, ঠিক আছে। আর বলছে যে ওগুলো যদি মানে মানে বাবার মেয়ে হয় বলছে আর কি, তাহলে সেই হিসাবে মানে কীভাবে সম্ভব আমি সেটা শুনে জানতে চাচ্ছি। ঠিক আছে, ওনার অধিকার চাইতে আসছেন, উনি কোর্টে লড়ুন, ওনার অধিকার যদি প্রাপ্য থাকে সত্যিকারে তাহলে উনি পাবেন।